Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, I'm Ansari, aap sabhi logo ka ek khiladi sab pe bhari, khiladi Kumar, Akshay Kumar ki film, Sooryavanshi ke ek aur box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? Haan, day 8, second week ka pehla din, yani ke second Friday. Aaj se ek hafte pehle, main wahan par road pe khada tha. सूर्यवंशी देख के निकला था एंड वही रोड पे खड़े खड़े ही मैंने फिल्म का रिव्यू कर दिया था. एंड गाइज दैट डे वॉज एन अमेजिंग डे. आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट डे. किस तरह से 7 बजे वहां गया था, ऑलमोस्ट 7:30 बजे का मेरा शो था एंड फिल्म देखकर निकला. इट वॉज अ क्रेजी डे ऑल टूगेदर. एंड अब वो पास्ट हो चुका है, पहला हफ्ता समाप्त हो चुका है. आज के एपिसोड में हम बात करें किस तरह से 8वें दिन ये कितना बिजनेस करेगा एंड ऑल इम्पोर्टेंट शो काउंट्स ऑफ ऑल द सिटीज के कितने शोज का फर्क पड़ा है यहाँ पर सूर्यवंशी को. ऑब्वियसली ऑफिशियल स्क्रीन काउंट जो है वो जब ऑफिशियल फिगर्स आएंगे तभी उसके साथ ही आएगा. बात करेगा 7वें दिन की, तो कल रात को मैंने प्रेडिक्ट किया था फिल्म कहीं ना कहीं 7.75 से लेकर 8.75 करोड़ कमाएगी. बैंग ऑन रात को जब ट्रेड का फिगर आया तब ट्रेड का भी प्रेडिक्शन था 7.75 से लेकर 8 करोड़. तो अज्यूम करके चलते हैं कि प्रोड्यूसर्स आज 8 करोड़ कलेक्शन भेजेंगे. इसी के साथ सूर्यवंशी का पहला हफ्ता 120.36 से लेके 120.50 करोड़ होगा. ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे आज इसका जो 8th डे है यानी कि इसका सेकेंड वीक का पहला दिन वहां किस तरह से ऑक्यूपेंसी है. और फ्रेंड्स बात करेगा इस मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग हैज ओपन टू 8%. सिर्फ 8% की ऑक्यूपेंसी है. ऑब्वियसली सेकेंड हफ्ता है, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी कमी होगी. बात करें मुंबई की, तो मुंबई में 1070 शोज है, यानी कि जो शोज है वो सिर्फ 50 या 60 कम हुए हैं. वो भी क्यों? क्योंकि दुलकर सलमान की फिल्म कुरूप रिलीज हुई है. वही एक लौती मात्र फिल्म है जो कि आज रिलीज हुई है, बड़ी फिल्म. तो कुरूप का हिंदी वर्जन का भी शो दिया गया है यहाँ पर. 4-5 शोज हिंदी में लगे हैं, बाकी के शोज मलयालम में है. इसी कारण है मुंबई में यहाँ पर थोड़े बहुत शोज कम हुए हैं, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली स्टेडी. 1072 शोज में मुंबई हैज ओपन ब्रिलियंटली. 15% मॉर्निंग इज अ ब्रिलियंट अमाउंट. दिल्ली एनसीआर मैसिव रिडक्शन इन शोज, ऑलमोस्ट 250 शोज जो है सूर्यवंशी के रिडक्शन हो चुके हैं. अब लोगों ने क्या लगाया है ये मैंने देखा नहीं अभी. 840 शोज है गाइस जहां पर दिल्ली एनसीआर इज ओपन डिसेंटली 6% ऑक्यूपेंसी. बात करें पुणे, तो पुणे सेम अमाउंट ऑफ शोज उतना ही रहेगा. 363 शोज है जहां पर ऑक्यूपेंसी इज 11%. बात करें बैंगलोर की, शोज हैव बीन मैसिवली रिड्यूस्ड टू 210 जहां पर ऑक्यूपेंसी इज 3%. बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में सिर्फ 150 शोज बचे हैं जहां पे ऑक्यूपेंसी 6%. कोलकाता स्टेडी ऑलमोस्ट इक्वल शोज, 314 शोज में ऑक्यूपेंसी 9%. अहमदाबाद इज द सेम, जितने शोज पहले हफ्ते में थे उतने यहां भी है. तो ये है कि शोज उतने ही है. फायदा फिल्म को ये है कि शोज कम नहीं किए. 469 शोज में अहमदाबाद मॉर्निंग इज 18, चेन्नई 50 शोज, ठीक है डिसेंट, वहां से भी ज्यादा उम्मीदें है नहीं अभी. 8% की ऑक्यूपेंसी है. सूरत मॉर्निंग हैज ओपन एट 16% विद 268 शोज. बात करें जयपुर की, तो 157 शोज है, 11% की ऑक्यूपेंसी है. चंडीगढ़ में राइट नाउ ओनली 60 शोज है, भोपाल में 70 शोज है. एंड गाइस ऑक्यूपेंसी वहां पे बहुत अच्छी है. चंडीगढ़ इज 15, भोपाल इज 22. एंड गाइस बात करें यहाँ पे लखनऊ की, तो लखनऊ में ऑब्वियसली यहाँ पर 204 शोज है. यानी कि शोज जो है सूर्यवंशी के वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वहां पर कम किए गए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी द शोज रिड्यूस एनीवेयर. रात को जब हम फाइनल फिगर्स देखेंगे तब हम वडोदरा का फिगर देखेंगे, उसके बाद हम राजकोट का फिगर देखेंगे एंड कल जैसे मैंने किया था पटना का फिगर देखेंगे. वो सारे जो स्ट्रांग सेंटर्स है, बहुत लोग कह रहे हैं कि भुवनेश्वर भी बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहा है सूर्यवंशी, तो वो सब हम रात को देखेंगे. फिलहाल जो मेन सेंटर्स है वो मैंने आपको मॉर्निंग बता दिया है ना कि सूर्यवंशी के शो काउंट में ज्यादा फर्क नहीं आया है. यह स्क्रीन्स कम हुए, अब कितने कम हुए हैं क्या है जो ऑफिशियल फिगर आएगा तब पता चलेगा. इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर सूर्यवंशी फॉर इट्स 8th डे यानी कि इट्स सेकेंड फ्राइडे इज कहीं ना कहीं 5.5 से लेकर 6.5 करोड़ रुपए. अगर ये 7 करोड़ भी कमाता है गाइस, दिस विल बी अ सुपर स्टडी कलेक्शन. क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे से थर्सडे से कम ही फ्राइडे कलेक्शन आएगा. उसके बाद सैटरडे एंड संडे पर पूरे इंडस्ट्री की निगाह है कि किस तरह से सूर्यवंशी अपना दूसरा वीकेंड है विदाउट हैविंग एनी टफ कॉम्पिटिशन इन फ्रंट ऑफ इट धमाल बवाल तहलका मचाएगा. इसका इंतजार सबको है. अगर आज ये एटलीस्ट 6.5 करोड़ भी कमाता है तो कहीं ना कहीं 8 दिनों का कलेक्शन
127 करोड़ होगा। ओके गाइस, तो ये था आज का कच्चा चिट्ठा, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ, यू गाइस विल बी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।